फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आप सब से मिल रही हूँ मैं। ये देखिए, मेरा ये घर है, तो हम लोगों ने यहाँ पहले ही हॉल में टीवी लगाया है। टीवी का शेल्फ एक्चुअली किया हुआ है ऑलरेडी हमारे लैंडलॉर्ड ने, और वहीं पे हम लोगों ने होम थिएटर रखा है, और वहीं मैंने मेरा लैपटॉप रखा है, और यहाँ हम लोगों ने सोफ़ा रखा है, और एक चेयर है उसके साइड में रखा हुआ है, और मैंने कुछ भी अभी तक सेट नहीं किया है। एक्चुअली फ्रेम्स वगैरह है मेरे पास, पर वो कीला लगाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। वो भी मैं जल्दी लगाने वाली हूँ। जो हम लोग को शादी में गिफ्ट आया था, वो सारे फ्रेम्स मैं यहाँ पे लेके आई थी, वही लगाना है। यही मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ है, इसी वजह से मैं मेरा YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा जो शेविंग मशीन है वही रखा है, और यहाँ ये वाला मेरा मतलब बहुत फेवरेट जगह है। यहाँ पे मैं कभी भी देखती हूँ तो मुझे मेरी घर की याद आती है। तो अच्छे अच्छे पेड़ वगैरह है, और ये जो है ये इंडियन टॉयलेट है, और यहाँ हॉल में ही किया हुआ है, वही एक प्रॉब्लम है हमारे। और ये मेरा किचन है, हॉल से ही हमारा किचन दिख जाता है। मैंने कोई मतलब पर्दा वगैरह नहीं लगाया है अभी तक कुछ भी, और यहाँ सब कुछ मैंने अरेंज किया हुआ है। और यहाँ पे स्टोरेज के लिए थोड़ी जगह दी है, पर वो बहुत ऊपर है, मुझे ही मतलब मेरी हाइट इतनी होकर भी मुझे वहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता है। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो के रखे, थोड़े और भी सिंक में है, और यहाँ पे मैंने फ्रिज रखा है। किचन टूर और एक दिन मैं करूँगी दिवाली के बाद, किचन का मतलब किचन टूर जो है, मैं पूरा मैंने कैसे किचन को अरेंज किया है मैं पूरा दिखाऊँगी आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने और एक चेयर रखा है, यहाँ बेडरूम है। मतलब हमारा घर स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है, पर छोटा सा है, अच्छा है। मैंने ही बोला था छोटा घर लेने के लिए, क्यों हम लोग दो ही लोग रहते हैं, बड़ा लेके क्या करेंगे। और यहाँ पे मैंने पर्दा लगाया है। एक्चुअली हमारे लैंडलॉर्ड ने हम लोग को कोई फैसिलिटीज़ करके नहीं दिया है, मैंने वो मेरे पास जो पर्दा था वही मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे भी स्टोरेज के लिए उन्होंने जगह बनाई है, और यहाँ पे मैंने बेड ऐसे सजाया है, और यहाँ पे एक वार्डरोब है, और उस वाले साइड में बाथरूम है, और यहाँ पे मैंने वो बैग रखा है जो मैं लेके आई थी डीमार्ट से, वही रखा है। और यहाँ बालकनी है पीछे की तरफ से, यहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ, और सिलेंडर की जगह भी हमारी पीछे ही रखी गई है। और घर तो छोटा है पर अच्छा है, पर लैंडलॉर्ड ने कोई भी मतलब फैसिलिटीज़ ठीक से नहीं किया है। यहाँ पे बाथरूम है हमारा, और पर्दा लगाने के लिए मुझे वो तो बोल रहा था कि रॉड लगा के दूंगा ऐसा, फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी भी हम लोग आकर एक साल हो गए, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था उन्हें। और यहाँ पे हम लोगों ने बेड लिए, वो क्वीन साइज़ का बेड है ये, यहाँ पे वही बेड फिट हो रहा था। मुझे एक्चुअली दूसरा बेड चाहिए था, पर वो हमारे यहाँ पे जगह कम थी तो बेड फिट नहीं हो रहा था। और ऑर्डर भी यहीं पे बनाया हुआ है उन्होंने। हमारा हॉल ऐसे दिखता है बेडरूम से, और यहाँ पे मैंने कुछ अभी तक कुछ रखा नहीं है। और है जो मुझे जीजू ने यहाँ से कनेक्ट करके दी है। एक्चुअली मुझे जब भी टीवी लगाती थी मैं, तो मुझे पासवर्ड बार बार डालना पड़ता था, इसीलिए मुझे यहाँ पे कनेक्ट करके दिया है। वाला एक मनी प्लांट रखा है मैंने, पर वो बड़ा नहीं हो रहा है, पता नहीं शायद क्या हो रहा है, क्या हुआ है उसको। और हमारे घर में तो इतना धूल आता है, मतलब कितना भी क्लीन करो धूल ही दिखती है, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर पे। यहाँ मैंने मेन डोर पे मास्क और की लगाया हुआ है, कोई कुरियर वाला आता है तो मेरे लिए प्रॉब्लम था। और मैं मेरा होम टूर का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। सॉरी लेट वीडियोस आ रहे हैं मेरे, प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।